गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर वन नंबर अप टू 991 से है। फाइव का ए पार्ट हम लोगों ने कर लिया था, अब फाइव का पार्ट करेंगे बी। राइट द नंबर्स बिटवीन। बिटवीन मीन्स होता है बीच वाला, यानी कि आप बीच वाला नंबर लिखते हैं बिटवीन में। ये लिखा हुआ है आपका 1717 1919, यानी कि इसका बिटवीन नंबर क्या होगा 1818। इस तरीके से सेकंड वाला देखते हैं 2222। नेक्स्ट है आपका 2424, तो बिटवीन नंबर क्या होगा 2323। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा 7878। यहाँ क्या फिल करेंगे 6464, यहाँ फिल करेंगे 6, यहाँ फिल करेंगे 4343। इस तरीके से हम बिटवीन नंबर लिखते हैं। पार्ट सी देखेंगे। राइट द नंबर जस्ट आफ्टर। आफ्टर मीन्स होता है बाद, बाद वाला नंबर लिखते हैं इसमें, यानी कि 20 लिखा हुआ है आपका, तो आफ्टर नंबर क्या होगा इसका 2121 1111। आफ्टर नंबर क्या होगा 1212। ये कितना हो जाएगा 9090 7979। ये कितना हो जाएगा 5353 3434 3131 1616। इस तरीके से आफ्टर नंबर लिखते हैं, पहले भी कर चुके हैं आप क्लास फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में क्या करते हैं, पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या होगा 9292। फिर क्या होगा 8282, 7878, 5656, 4444। ये हमारा क्या बन गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरीके से हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका बी पार्ट देखेंगे। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। कैसे करेंगे, सबसे छोटा नंबर है इसमें आपका 1111, फिर 1515, 2323, 4242, 6666। इस तरीके से आपका असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। समझ में आया होगा आपको, सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए आपका इसको फर्स्ट वाला जो नंबर होता है हमारा 23 लिखा हुआ है आपको सामने, 2323, यानी कि फर्स्ट इसको हम बोलते हैं वंस और इसको बोलते हैं टेंस, ठीक है। जैसे कि ये हमारा 3 जो है हमारा वंस में आ गया और 2 हमारा आ गया टेंस में, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वंस में 3 और टेंस में 20 2020। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा 5656। तो वंस में कौन सा नंबर आएगा 6 और टेंस में क्या आएगा 5। ये हमारा क्या जाएगा 6 और ये हमारा जाएगा 50। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं ऐसे। सी हमारा 7878, तो यहाँ कितना आ जाएगा, वंस है हमारा 8, टेंस है हमारा 7, तो ये हमारा 8 और ये 70। एक्सपेंडेड यानी कि बढ़ाकर लिखना, 6666, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा,
और ये रहेगा 660। नेक्स्ट है आपका ई, 8484। वंस कितना है 4 और टेंस कितना है 8। वंस में हो जाएगा हमारा 4 और टेंस में हो जाएगा हमारा 80। ठीक है, इस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। राइट द नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट यानी कि इसको छोटा करके लिखते हैं। एक्सपेंडेड में हमने बड़ा करके लिखा था, शॉर्ट में छोटा करके लिखते हैं। तो यहाँ देखेंगे हमारा कितना है 8 टेंस प्लस 2 वंस, यानी कि वंस हमारा कितना है 2 और टेंस हमारा कितना है 8। इस तरीके से हमारा वंस कितना है 6 और टेंस कितना है 666। ये कितना है हमारा 7474। वंस हमारा कितना है 9 और ये कितना है टेंस 5, यानी कि 59। ई कितना है हमारा वंस 5 और टेंस कितना है 4, 44। इस तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं छोटा करके। एक्सपेंडेड फॉर्म में बड़ा और शॉर्ट फॉर्म में छोटा। इस तरीके से आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। और घर पर आप प्रैक्टिस करें, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।